नमस्कार आप सभी का, मैं आदित्य पटेल विनर्स इंस्टीट्यूट की चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सर का नाम है चेतन पाटीदार और जो ऑलरेडी जेल प्रहरी के पद पर कार्य कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे हम इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी रखें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ये जॉब किस प्रकार का है, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, सैलरी कितनी मिलती है और ऐसे न जाने कितने सारे प्रश्न और डाउट आपके माइंड में हैं। तो आज सर खुद बताएंगे उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे तैयारी करी, कैसे उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक करा और जॉब करने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके अलावा जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में हैं वो सभी प्रश्न मैं सर से पूछूंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा सर आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वैसे बेसिकली रहने वाला खरगोन जिले के छोटे से गांव नंदगांव से हूं। फिलहाल मेरी पोस्टिंग अभी सेंट्रल जेल इंदौर पर है और मैं विनर्स इंस्टीट्यूट में फैकल्टी के रूप में भी कार्य कर चुका हूं। वहीं से हमारी आदित्य सर से दोस्ती हुई, आदित्य सर से जुड़ना हुआ और ऐसे यहां पर कार्य किया, उसके तहत ही मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं आज सेंट्रल जेल इंदौर में पोस्टिंग हूँ। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए, बच्चे ये जानना चाहते हैं कि ये जॉब कैसा है, क्या क्या काम करना होता है, सैलरी इसमें कितनी मिलती है, सबसे काम की बात तो पहले बच्चे ये जानना चाहते हैं। सही, जॉब जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट में जैसा काम होता है वही है, लेकिन कार्य करने के ऊपर यदि आए तो पुलिस के जैसा कार्य नहीं है। पुलिस का कार्य होता है कि अपराधी जो जितने भी होते हैं उनको पकड़कर जेल में दाखिल करना, जेल में उनकी सुरक्षा करना, उनके भोजन, उनकी भोजन की व्यवस्था है, उनकी बीमारी यदि बीमार होते हैं तो उनकी दवाई गोली की जितनी व्यवस्था है वो जेल प्रशासन करता है, वही काम अपना होता है। कुल मिलाकर आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि पुलिस का कार्य है जेल में दाखिल कराना, लेकिन उन्हें वापस उनके सामाजिक सत्ता में जोड़ना ये हमारा जेल विभाग का कार्य होता है। उनको हम सुधारते हैं, सुधारने के बाद उनको वापस से उसी समाज में वापस छोड़ते हैं। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी पुलिस डिपार्टमेंट इतनी है, इन हैंड 19,500 के आसपास आपको सैलरी बेसिकली मिलती है और इसमें 2150 किसी के 2200 रुपये NPS के तहत आपके कट जाते हैं। अच्छा ठीक है सर, इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर आते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों का प्रश्न होता है कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी वो लेकर चले, ऐसी कैसी रणनीति बनाएं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, इसके बारे में बताइए। आप सभी जानते ही होंगे कि जेल प्रहरी के पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 5 सब्जेक्ट को बेसिकली उन्होंने रखा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीके में MP जीके, भारत का जीके, सभी कुछ आ गया है और मैथ्स रीजनिंग, और मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ ही साइंस का टॉपिक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें 3 सब्जेक्ट जो आपके सबसे अच्छे हों, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, मेरी बात की जाए तो मैथ, साइंस और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मेरे इसमें आउट ऑफ 60 में से 58 नंबर आ गए थे। अब इसमें जब 58 नंबर आ गए तो मैंने बाकी 2 सब्जेक्ट तो थोड़े कमज़ोर भी थे, उसमें जो भी 20-25 मार्क्स लेके 78 मार्क्स आए थे जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो आप भी कोशिश कीजिए कि 3 सब्जेक्ट को अच्छा कर लें ताकि हम 60 से 60 लाएँ और ये आराम से आ जाते हैं। 3 महीने की पढ़ाई करते हो उसमें भी आपके आराम से इतने मार्क्स आ जाते हैं। आप वही पढ़िए जो काम की हो, इधर उधर ज़्यादा ना भागे और जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो आपने पढ़ा है अभी तक उसका बार बार रिवाइज करें, उसी को बार बार पढ़ें, उसी से आपका सिलेक्शन श्योरिटी से हो जाएगा। सर कुछ लोगों को ये डाउट होता है जैसे इंग्लिश बहुत वीक होती है, तो ऐसे जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे? सेम मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, मैं भी बचपन से लेकर अभी तक हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ और इंग्लिश से कभी इतना ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, ताल्लुकात नहीं हुआ, तो इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। तो मैंने इंग्लिश में बेसिक जो भी बेसिक टॉपिक होते हैं जैसे टेंस होते हैं, आर्टिकल हुए, मॉडल्स हुए, ये जो जितनी चीज़ें हैं जो ज़्यादा इतनी टफ नहीं और बचपन से हम इनको थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ते आते हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ा पढ़ लीजिए, उसी से आपके मतलब इतने मार्क्स तो आ जाएंगे कि आपको उसमें लेवल ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। और बाकी जितने सब्जेक्ट अलग हैं उनको आप ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। तो इंग्लिश से यदि डर भी लगता है तो भी आप इतने 8-10 टॉपिक जो बेसिक वाले टॉपिक हैं वो तो आप करके जाइए, इसमें इतनी ज़्यादा टफ इंग्लिश भी नहीं आती है, जैसे बैंक वगैरह है इसमें इतनी ज़्यादा टफ आती इंग्लिश इतनी टफ नहीं आती है, थोड़ा सा कम ही लेवल होता है। या फिर आपको यदि डाउट लगता है तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स होते हैं उनको सोल्व कीजिए इंग्लिश के, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिलते जुलते आपको एग्जाम में मिल जाएंगे जिससे आपको वो क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए इतना ज़्यादा मतलब मेहनत करने की आवश्यकता तो है ही है, लेकिन फिर भी जो बेसिक टॉपिक है उन्हीं पर आप ज़्यादा काम कीजिए, ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ने की कोशिश मत कीजिए।
पर ये उन बच्चों को ध्यान रखना है जिनका इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। मतलब इंग्लिश बहुत आसान आएगी, थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छा सीख सकते हो, पर अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप उन टॉपिक पे फोकस कर लो जिनमें आपको, जिससे आप एटलीस्ट थोड़े बहुत नंबर तो ले आओ। अदरवाइज मेहनत करोगे, 3 महीने काफी है, आप अच्छा भी कर सकते हो। ठीक है सर, कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होती है, किन किताबों से पढ़ना चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न होता है। सर आज के वर्तमान युग में तो आपने देखा होगा कि बुक्स का कोई मतलब कोई एक बुक का प्रेफर नहीं कर पाते हैं अपन, क्योंकि सर बहुत सारी बुकें हैं, हर बुक में एक जैसे टॉपिक मिलते हैं, कुछ कुछ में थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग मिलते हैं, कुछ में कुछ क्वेश्चन अलग मिलते हैं। लेकिन आप यदि किसी लाइव क्लास को पढ़ रहे हो या आपने पहले कहीं पर पढ़ा है, आपके खुद के सेल्फ के नोट्स बना रखे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए। और जैसे कि मैं भी यहाँ आया उसके बाद ही पता चला है कि विनर्स इंस्टीट्यूट भी एक मतलब लाइव क्लासेस चला रहा है, तो डेली 5 घंटे जेल प्रहरी के लिए ही क्लास चल रही है। तो यदि आप वो रोज रेगुलर उसी को लेते हो, उस लाइव क्लास को लेते हो, और वो जो जो चीज़ें करा रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, उसमें सर ने बताया कि हम उनके ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी करा रहे हैं, ऑनलाइन मटेरियल भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट भी ले रहे हैं, इन चीज़ों को भी यदि आप रोजाना करते हो तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। आप किसी और बुक्स के वजह मतलब बुक्स के पीछे मत पड़िए, क्योंकि हाँ एक व्यक्ति ये कहता है कि यदि एक ही बुक्स को आप 100 बार पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100 अलग अलग बुक को पढ़ने में आप टाइम मत लगाइए। तो इसलिए आप एक ही जगह फोकस करिए, इससे आपका सिलेक्शन हो जाता है। और अगर बुक खरीदनी है तो आई थिंक प्रीवियस पेपर्स, हाँ सर अगर वो मैं तो यही कहता हूँ कि सर प्रीवियस पेपर डाउनलोड कीजिए, इंटरनेट का जमाना है, आप सबके पास मोबाइल तो अवेलेबल होंगे। आपने जेल प्रहरी के प्रीवियस 2 पेपर हुए जेल प्रहरी के, उन सभी के प्रीवियस पेपर और मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, उन्हीं को लगाना शुरू कीजिए। लेकिन ये है कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सोचो कि आज मैं 10 घंटे पढ़ लूँ और कल फिर नहीं पढ़ूँ, इससे आपको सफलता नहीं हासिल होगी। आपको डेली भले 2 घंटे पढ़ना, लेकिन डेली मन लगा के पढ़ना है। आप इस लॉकडाउन में सर कहीं आप जा सकते नहीं, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप घर पे बैठ के आराम से पढ़िए। एक ऐसा माहौल आता वातावरण ऐसा क्रिएट कीजिए आसपास में, जिससे कि आप आराम से 3 से 4 घंटे आराम से पढ़ सको, कोई डिस्टर्बेंस ना करे, और डेली पढ़ो। जितना वीक में पढ़ रहे हो, संडे के दिन उसको वापस से रिवाइज कीजिए, इससे आपका सफलता जरूर हासिल होगी आपको। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दूंगा कि जेल प्रहरी के जितने भी पुराने पेपर्स हैं वो हमने विनर्स की ऐप पर डाल दिए, मैं सर को तो और वो बता ही नहीं पाया। तो अगर आप विनर्स की ऐप पर जाएंगे तो पुराने पूरे पेपर्स की पीडीएफ आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, वो भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है। पूरा कोर्स तो है ही, अगर आप फ्री में पेपर्स डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल है पेपर का लेवल कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। पेपर के लेवल की बात की जाए तो पेपर का लेवल ना थोड़ा ज़्यादा हाई होता है ना ज़्यादा लो होता है। लेकिन जैसे मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में 20 में से 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे लगभग बन जाएंगे, या जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है थोड़ी अच्छी उनसे हो जाएगा। अब 5 क्वेश्चन की बात आती है जिसमें से 2 क्वेश्चन एकदम ईजी आते हैं और 3 क्वेश्चन एकदम थोड़े हाई लेवल के आते हैं। तो आपको कुल मिलाकर लो से लेकर हाई तक पढ़ना है, मतलब 0 से लेकर 100 तक पढ़ना है। यदि आप सोचो, मेरे साथ ही ये गलती हुई थी कि मैं एक छोटा सा सरलीकरण का एक क्वेश्चन था वो मैं कर नहीं पाया था, वो इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मैं हमेशा हाई पढ़ने की कोशिश करता था और लो में पढ़ ही नहीं पाता था। तो उस तरीके से आपको लो से लेकर हाई तक पढ़ना है, सरलीकरण हो या अल्फाबेट हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आपको पढ़ना सारे पूरे हैं। और मैथ्स क्या, किसी भी टॉपिक को, हर टॉपिक को पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें से यदि क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 नंबर जिससे अपना सिलेक्शन रुकता है तो तब अपने को बहुत बुरा लगता है। इससे अच्छा है कि सारे टॉपिक को कवर करो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन सारे टॉपिक पढ़ो। अच्छा, इस बार एक थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। अभी तक लास्ट ईयर तक जेल प्रहरी का पेपर 100 नंबर का होता था, इस बार उसको 200 कर दिया, 200 इस बार थोड़ा सा चेंज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहेंगे, मार्क्स उन्होंने चेंज कर दिए। सर एक प्रश्न बच्चों का फिर ये होता है कि अभी परीक्षा में लगभग 3 महीने बचे हैं, तो क्या 3 महीने अच्छी मेहनत की जाए तो सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, 3 महीने एक परीक्षा को पास करने के लिए काफी समय होता है। 3 महीने में आपको खुद को स्ट्रेटजी ये बनाना है कि इस 3 महीने में हमें हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है। मान लो आप यदि मैथ्स को 1 घंटा दे रहे हो, 1 घंटा हिंदी को दे रहे हो, 1 घंटा साइंस को दे रहे हो, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके हैं ही। उसके बाद आपने इंग्लिश को 1 घंटा दे दिया और 1 घंटा जीके को दे दिया। इस तरीके से यदि 5 घंटे आप पूरे 24 घंटे में से पढ़ते हो वो भी आपके लिए बहुत है। यदि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के 3-4 घंटे आप अदर सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, शाम को सोते समय आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि यार ये थोड़ा सा याद करने लायक है उसको शाम को पढ़ लीजिए, तो आप हर स्टडी आपको खुद को बनाना पड़ेगी। और खुद यदि बना लोगे 5 घंटे रेगुलर पढ़ने का तो अपना आराम से हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अच्छा सर, लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में आप कुछ बता सकते हैं, क्या रहा था लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में? सर ओबीसी का कट ऑफ 78 के आसपास हो रहा था,
जिसमें इसमें सर एक अच्छी बात यह है कि इसमें सर वेटिंग भी लगती है। अच्छा। जैसे जो बच्चे इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करते हैं, तो थोड़े दिन बाद वेटिंग लिस्ट निकलती है, ऐसे 3 वेटिंग लिस्ट निकलती है। कुल मिलाकर पूरे ही पोस्ट फुलफिल होती है। जैसे पुलिस वगैरह या अदर जो इतनी भी वर्दीधारी नौकरियां हैं उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं लगती सर, लेकिन इस जेल प्रहरी में वेटिंग लिस्ट लगती है। और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन, यदि आप 78 के आसपास पिछली बार की बात कीजिए, और लेकिन इस बार तो 80 प्लस आप कोशिश कीजिए कि 80 प्लस लाइए, पहली बार में ही आप सिलेक्शन ले लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। सर एक प्रश्न होता है कि क्या जॉब के साथ साथ, जैसे हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो जॉब में हैं और उसके साथ साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या जॉब करते करते पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ ऐसा टाइम मैनेजमेंट हो सकता है? हाँ सर, जेल विभाग में सर एक रूल चलता है, रूल ड्यूटी जिनकी चलती है सर, उनको मैक्सिमम 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, 4 घंटे मॉर्निंग की शिफ्ट में और 4 घंटे नाइट में ड्यूटी करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास जो 16 घंटे बचते हैं उससे आपसे कोई काम नहीं लिया जाता, तो आप 16 घंटे में से आराम से 3-4 घंटे आराम से अलग और बड़ी तैयारी के लिए आराम से पढ़ सकते हो। और मैं तो ये कहता हूँ सर कि अभी इस लॉकडाउन के इस सिचुएशन में आपको जो जो मिल रही है पहले आप उसको ले लीजिए, उससे आपके माइंड से स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप अगली जो तैयारी करोगे उस पर आपकी मेहनत और दोगुना हो जाएगी और आप अच्छे फ्री माइंड से तैयारी कर सकते हो। मतलब फॉर्म सारे भरना चाहिए, एग्जाम आप सारे दो, भले आप मत उसको ज्वाइन करो, पर उससे कॉन्फिडेंस आता है। हाँ सर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्थिति ऐसी बनती है कि ज्वाइन करना ज्यादा सही डिसीजन हो जाता है। तो इसलिए फॉर्म सारे भरिए, भले आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं उसकी तैयारी तो करिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हाँ सर, तो एक ही तैयारी से सारे पेपर्स हम आसानी से दे सकते हैं। हमारे साथ की बात की जाए सर, तो बढ़वा ट्रेनिंग से थे, अभी फिलहाल में DSP है रोहित राठौड़, वो जेल प्रहरी थे। अच्छा। उन्होंने जेल प्रहरी ज्वाइन की, बढ़वा में ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग करने के बाद MBBS का रिजल्ट आया और आज वो DSP के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो सर वो काम इसमें आराम से आप पढ़ाई भी कर सकते हो, जॉब के साथ साथ आप रिलैक्स रह सकते हो, कोई दिक्कत इतना नहीं है सर। सही बात है। अच्छा सर, इसके बाद थोड़ा सा आप बच्चों को ट्रेनिंग के बारे में बता दीजिए, ट्रेनिंग कैसा रहता है और आगे ग्रोथ प्रमोशन के चांसेस जैसे आपने बताई हैं। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। जैसे कि हम, जैसे हमारी नियुक्ति होती है उसके कुछ दिनों बाद, मतलब 15-20 दिनों बाद बैचेस बनते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए बेसिकली जो मेल कैंडिडेट होते हैं, जितने भी पुरुष होते हैं, उनको टेकनपुर, BSF टेकनपुर में ट्रेनिंग मिलती है, जहाँ पर पहला मिलिट्री फोर्स है। तो वो फिजिकल के साथ साथ मतलब आपके पढ़ाई पर भी ध्यान देते हैं, जेल मैनुअल हो गया और अन्य धाराओं के बारे में, अपराधों के बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो 6 महीने की सर ट्रेनिंग होती है कुल मिलाकर, 6 महीने बाद वापस आपकी जो पदस्थापना जेल होती है आप वहीं पर पहुंच जाते हो। और लड़कियों की ट्रेनिंग सर होती है CISF बढ़वा में, उनके साथ लड़कों की भी होती है, जो लड़के वहाँ पर मान लो नहीं पहुँच पाते हैं वो इनके साथ भी हो जाती है। तो ये दो जगह बेसिकली ट्रेनिंग होती है, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की ट्रेनिंग सेंटर है और वहीं पर उनकी ट्रेनिंग होती है सर, जिसमें आपको फिजिकल हो गया, मेडिकल, सब सारी चीज़ें तैयारी की जाती है। सर फिजिकल से मुझे याद आया, थोड़ा बच्चों को फिजिकल की तैयारी का और गाइड कीजिए, फिजिकल कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? ये बहुत जरूरी प्रश्न है और बहुत जरूरी, फिजिकल करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कई सारे एग्जाम क्रैक की होगी, मान लो SI क्रैक की है, SI है, पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन फिजिकल नहीं पास कर पाते हैं। बहुत सारे MP में तो ऐसे बहुत सारे मैंने दोस्त मिले हैं, मैं खुद भी ऐसा हूँ जिसने कि 3-4 फिजिकल जिससे पास नहीं हुआ था, फिर ये वाला जो फिजिकल था इसको मैंने बड़ी मुश्किल से पास किया था, पर मेहनत की थी उसके बाद ही पास हो पाए थे। तो फिजिकल की बात की जाए तो इसमें एक तो 800 मीटर रनिंग होती है सर, उसके बाद गोला फेंक होता है। तो गोला फेंक तो साधारणतः आदमी प्रैक्टिस से भी कर लेता है, लेकिन रनिंग के लिए बड़ी दिक्कत आती है, जो व्यक्ति एकदम सोचता है कि रिजल्ट आने के बाद ही हम सीधे रनिंग पे जाएं तो फिर दिक्कत आती है। थोड़ा थोड़ा भी एक घंटा हाँ सर निकाल लें, अभी कुल मिला के उससे ये भी सर होगा कि आप जैसे दिन भर पढ़ाई करते रहोगे उससे भी आप बोर हो जाओगे या फिर आपके दिमाग में स्ट्रेस बनी रहेगी। तो एक घंटा आप एक जैसे कि थोड़ा सा घूम आए, आज थोड़ा सा घूमे, कल और थोड़ा बढ़ाया, परसों बढ़ाया, इससे क्या होगा कि जब रिजल्ट आएगा फिर आप जो मेन तैयारी करोगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में क्या होता है सर, बहुत सारे लोग आज रिजल्ट आया और फिर 1 महीने के अंदर आपको रनिंग पास करना है, फिर वो दौड़ते हैं, फिर या तो बीमार हो जाते हैं, पैर दर्द करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इससे अच्छा है कि आज से शुरू कर दो, थोड़ा पैदल चलना आज से शुरू करो, कल थोड़ा सा दौड़ो, फिर रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर, लड़कियों के लिए ये जॉब कैसा है? सबसे बढ़िया है सर कि वर्दीधारी की बात की जाए तो लड़कियों के लिए सबसे अच्छी जॉब यही है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी अच्छी है, लेकिन लड़कियों का थोड़ा सा काम कम होता है लड़कों के एवज में। और लड़कियों के लिए तो सर जैसे कि महिला अपराधी कम होते हैं और इसलिए उनको कम भी थोड़ी सुरक्षा है,
इसलिए उनके लिए सबसे अच्छी जॉब है। मैं अभी लड़कियां भी इसकी तैयारी जरूर करें सर, बिल्कुल सर, उसमें उन्हें संकोच किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल करें तैयारी। अच्छा सर, कुछ छोटी छोटी चीजें और आप बताना चाहें बच्चों को, जैसे एक रेगुलरिटी का कितना इम्पोर्टेंस है, रिवीजन करना, टेस्ट लगाना, इनके बारे में कुछ चीजें आप बताना चाहें। सर मैं तो यही चाहता हूँ कि पर डे आप एक घंटा एक सब्जेक्ट को दें, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। नंबर दो चीज़ ऐसा कि संडे के दिन जितना सोमवार से शनिवार तक जितना आपने पढ़ा है, संडे के दिन नया कुछ नहीं पढ़े, पूरा रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद कुछ नए क्वेश्चन करें। और यदि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इधर उधर ऑनलाइन क्लास ना लें। जैसे यदि आप एक जगह पढ़ रहे हैं तो फिर एक ही जगह पढ़ें। आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप आजकल सोशल मीडिया पे सर इतनी ज़्यादा चीज़ें मतलब आ गई है कि आप एक टॉपिक डालोगे तो आपको कम से कम उसके 100 वीडियो मिलेंगे। 100 वीडियो में आप टाइम खराब करोगे। इससे अच्छा एक ही व्यक्ति पे ट्रस्ट करो, और आज तक तो किसी पे ट्रस्ट किया नहीं होगा, लेकिन आप किसी पे कर लो जरूर, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हमने बचपन से की है जिससे हमको अभी एहसास हो रहा है। जैसे कि 12th पास होते हैं या 10th पास होते हैं और दोस्तों ने बोला कि यार मैथ्स लेना है तो मैथ्स ले लिया। अब अपना इंटरेस्ट हो या नहीं हो, हमने मैथ्स ले लिया, हमने भी ले लिया। ऐसे ही सर कोचिंग संस्थानों में विचार चलता है। मतलब मेरा कहना तो यह है कि अब इंदौर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में कई सारे कोचिंग संस्थान हैं और सभी लोग आजकल ऑनलाइन वीडियो या ऑनलाइन चीज़ें पोस्ट करने लग गए हैं। लेकिन आपको यदि विश्वास, जैसे विनर्स पे है तो फिर आप विनर्स पे विश्वास करके संपूर्ण विश्वास के साथ पढ़िए। और मैंने तो यहाँ पढ़ाया भी है, एक डेढ़ साल तक पढ़ाया है, उसके बाद ही मैं खुद रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और हमने सर को फिर पर जॉब सर का ऐसा है कि अब वो पढ़ा नहीं पाते, अदरवाइज हमने बहुत बार कोशिश करी कि आप और पढ़ाओ। हाँ सर, वही है सर, इतना टाइम मतलब आप पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता, लेकिन पढ़ाने के लिए फिर और भी प्रिपरेशन चाहिए रहती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बंद कर दिया था। वरना सर ने बहुत बार बुलाया भी था और आज भी मन तो करता है कि आके पढ़ाएं, क्योंकि वही दुनिया बहुत बढ़िया भी थी सर, पढ़ाने वाली भी, और बहुत अच्छा लगता था सर। तो आप सबको भी यही कहता हूँ कि आप रिवीजन करें, बार बार एक ही चीज़ को मतलब पढ़ें, उसको वापस भूलें नहीं। जो चीज़ें आप भूल जाते हैं उनको लिख के रखें, कहीं पर चिपका के रखें, उसको बार बार पढ़ें, अलग अलग स्थानों में पढ़ें। ऐसा नहीं एक ही रूम में बंद हो गए वहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा माहौल का सर होता है कि आप यहाँ पढ़ रहे हो इस टॉपिक को, अगले टॉपिक को कहीं बाहर पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। तो थोड़ा घूमे फिरे भी, ऐसा नहीं है कि घर में ही रहे तो घर में ही पढ़ते रहे, पर लॉकडाउन में ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, ठीक है। सही है, चलिए। सो आई थिंक अब आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब सर ने दे दिए, उनकी खुद उन्होंने कैसे तैयारी करी, जॉब कैसा है, ट्रेनिंग का सिस्टम सर ने बताया, लड़कियों के लिए जॉब कैसी रहेगी, और आई थिंक सारे प्रश्नों का जवाब सर ने काफी अच्छे तरीके से दिया है। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रश्न आपके माइंड में है तो आप जरूर वीडियो में कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे, सर खुद उसको फिर उसमें जो भी अगर उस तरीके का रहेगा तो फिर हम एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे और उसमें आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। सो आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और जैसा हमने कहा कि अगर आप एक सिस्टमेटिक पूरा कोर्स करना चाहते हो तो विनर्स इंस्टीट्यूट पर जेल प्रहरी का कोर्स चल रहा है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर आप एक सिस्टमेटिक डेली 5 घंटे की लाइव क्लासेस होती है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, टेस्ट हैं, नोट्स हम आपको उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा FLT पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं। हर वो सुविधा जो ऑफलाइन कोचिंग में या इंदौर आकर आप हमसे लेते थे, वो हम आपको घर बैठे विनर्स की ऐप पर दे रहे हैं, तो आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, क्योंकि सर अभी बस जस्ट ड्यूटी पे लौट जाएंगे, तो सर से हम काफी दिनों से टच में थे, आज कैसे भी ये चीज संभव हो पाई, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सर जब आप सभी को गाइडेंस चाहिए रहेगा तो जरूर हाजिर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।